करनी सेना के आगे अक्षय कुमार ने हार मान ली है। जी हाँ, पृथ्वीराज के मेकर्स ने फाइनली अपने घुटने टेक दिए हैं और क्या चेंजमेंट आया है चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज चौहान के लिए काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म पृथ्वीराज का शीर्षक बदल दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से इस फिल्म को नाम चेंज कर सम्राट पृथ्वीराज रख दिया गया है। बता दें कि करनी सेना की एक जनहित याचिका के बाद ये कदम उठाया गया है। फिल्म के निर्माताओं YRF ने करनी सेना के अध्यक्ष को एक आधिकारिक पत्र लिखा है जिसमें उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है। जी हाँ, करनी सेना ने कुछ वक्त पहले इस बारे में हमला बोला था और राघवेंद्र मेहरोत्रा ने पृथ्वीराज के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजते हुए जनहित में एक याचिका दायर कर लिखा था कि राजपूत समुदाय को फिल्म के शीर्षक की वजह से दिक्कत हो रही है, जिसके बाद कई बैठकें हुई और आखिरकार 27 मई को पृथ्वीराज निर्माताओं ने यानी कि YRF ने राजपूत समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेलर में से पूरी जगह पर रिक्रिएशन किया है। जी हाँ, यानी कि पृथ्वीराज नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज इसका नाम रख दिया गया है। वही फैंस को हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें देखना है सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म। इसी के साथ साथ इस बारे में बात करते हुए यशराज ने भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। वो लिखते हैं, हम फिल्म के वर्तमान शीर्षक के संबंध में आपकी शिकायत और आपके प्रयास की ईमानदारी से सराहना करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमने किसी भी व्यक्तियों की भावनाओं का आहत नहीं करने की कोशिश की है या अनादर करने के लिए ऐसा नहीं किया है। वास्तव में हम इस फिल्म के माध्यम से दिवंगत राजा और योद्धा पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी, उपलब्धियां और हमारे देश के इतिहास में योगदान का जश्न मनाना चाहते हैं। वेल, इस तरीके से उन्होंने ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि इसके टाइटल को भी चेंज कर दिया गया है। अब इस बारे में आपकी क्या है राय, आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सर। हाँ, चलो।